आज तक आपने मेरे पहाड़ी लाइफस्टाइल ब्लॉग देखे, अब मैं जो ब्लॉग आज अपलोड कर रहा हूँ ये पहाड़ी कल्चर पे है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है इसको स्किप मत करिएगा, पूरा सुनिएगा, पहले मेरी बातें सुनिएगा, फिर आपको बहुत मजा आएगा इसको सुनने में, फिर देखने में। तो प्लीज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट, आप प्लीज वीडियो को स्किप मत करिएगा। हेलो जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग बहुत खास होने वाला है, मैं आज आपको उत्तराखंड के कल्चर के बारे में बताने वाला हूँ। तो पहले मौसम की बात करते हैं, मौसम बहुत क्लियर है और ये व्लॉग में ना आपको बहुत दिन सा लग रहा होगा, मतलब एक तो धूप बहुत जल्दी आ जाती है इधर और दिन भी हो ही गया है, 10 बजने को आ गया है। और आज मैं जो हमारे यहाँ फूलदेही का त्यौहार होता है उसमें बिजी था थोड़ा सा, उसको आज लास्ट दिन था तो उसमें थोड़ा सा बिजी था, तो फूलदेही का व्लॉग शूट नहीं कर पाया मैं, क्योंकि अब हमारे जो मतलब गाँव बहुत बड़ा है तो उसमें अलग अलग टोलियाँ हैं, तो हमारे जो मोहल्ला है ना, हमारा जो परिवार है ना, उसमें क्या होता है, उसमें क्या है कि बच्चे सारे बड़े हो गए, उसको मनाने वाला इंजॉय मतलब उसको सेलिब्रेट करने वाला कोई है ही नहीं, दो चार बच्चे हैं उसमें, अब दो 10th क्लास वाले हैं। अब नॉर्मली क्या होता है, जब अब बच्चा 8th से 9th में जाता है ना तो उसको छोड़ देता है वो, मतलब सोचता है कि मैं बड़ा हो गया तो मैं क्यों उसको सेलिब्रेट करूँ। पहले तो मैं उन दोनों सब चारों को बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने एटलीस्ट फूल तो डाले हैं, वो 10 में जाके ना उन्होंने सोचा कि अब यार इस साल तो चलो कोई बात नहीं, इस साल तो बचा ही सकते हैं, इस साल तो कर ही सकते हैं, उन्होंने बहुत बड़े बच्चे हैं फिर भी उन्होंने ये किया, तो उनके लिए बहुत थैंक यू। तो फूलदेही का सूट इसीलिए नहीं कर पाए तो इसको अगली बार करेंगे। तो आज का ब्लॉग बहुत खास होने वाला है, आज मैं आपको उत्तराखंड के कल्चर के बारे में बताने वाला हूँ, एक ऐसा कल्चर जो कि धीरे धीरे विलुप्त की तरह कगार पर खड़ा है, मतलब अब लोग अपने दिनचर्या में इतने बिजी हो गए, अपने शेड्यूल में इतने बिजी हो गए कि उनको मतलब अपने पुराने जो रीति रिवाज है उनको सबको भूलते जा रहे हैं। तो आप लोग काफी लोग उत्तराखंड के कल्चर के बारे में रूबरू भी होंगे, कुछ लोग जानते भी होंगे, जो अभी मेरे मतलब जो सब्सक्राइबर हैं बहुत कम होंगे, जो बाहर से होंगे, आउट ऑफ उत्तराखंड होंगे, तो सारे उत्तराखंड से हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि मतलब उत्तराखंड में जैसे आज नाग नाचते हैं, भूत अछरिया वगैरह नाचते हैं, तो ये कल्चर ना धीरे धीरे विलुप्ति की तरफ चलता जा रहा है। अभी परसों हमारे यहाँ नाग नाचा था तो 5 दिन का था, वो हमारे गांव में था तो 5 दिन का था, तो 5 दिन तक ना लोग मतलब अभी हमारे गांव में है, अभी लोग हैं इसमें, पलायन थोड़ा सा कम है, लोग बाहर की तरफ ना कम जा रहे हैं अभी गांव में है, और गांव में देखो मतलब आउट ऑफ रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के अलावा देखो ना तो बहुत पलायन है, बहुत ज़्यादा। तो इसको वो करने वाला ना, आगे बढ़ाने वाला, संस्कृति को आगे बढ़ाने वाला कोई है ही नहीं, लोग यही सोचते हैं कि बस बच्चे बड़े हो गए, देहरादून बस लो, ये दिल्ली वगैरह चले जाओ, तो लोग सारा उसी को कल्चर को फॉलो करते जा रहे हैं। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मतलब ये नाग नचाना, भूत अछरी वगैरह नचाना ये क्यों करते हैं, तो ये इसलिए करते हैं क्योंकि घर परिवार में ना देवी देवताओं का थोड़ा सा दोष हो जाता है, दोष मतलब कि कभी अब मानते हैं इस चीज को, सही बताऊं तो क्या होता है कि भगवान भी नाराज हो जाते हैं, जब आदमी सुख में अपने भगवान को याद नहीं करता ना, दुख में तो बोलता है, हर कोई बोलता है भगवान ये कर दे ये कर दे, और दुख में सुख में याद नहीं करता तो भगवान उन पर दोष कर देता है, तो अगर दोष करता है तो उसके निवारण के लिए ना सारा परिवार इकट्ठा होकर तो ऐसी चीजें कर देता है कि नाग नचा लिया, अब जैसा भी किसी के पास पूछ लिया तो वो राय देता है, तो ऐसे ऐसे करके होती भी है, मतलब कभी किसी पर ऐसा दोष हो जाता है कि वो ठीक नहीं हो रहा होता, डॉक्टर साहब मना कर देते हैं कि भाई ठीक होगा ही नहीं, हमारे पास कोई ऐसी दवाई नहीं है, तो ऐसी ऐसी भूत नचा ले अछरिया वगैरह नचा के ना ठीक हो जाता है, मेरे सामने ऐसे केसेस हो चुके हैं। तो अब ये कुछ लोग तो कहेंगे ये आपकी मेंटेलिटी है, अब जो भी है मतलब होता है, तो जिस चीज में अब जो चीज करके आदमी ठीक हो रहा है तो वो चीज करने में मेंटेलिटी क्या होनी, मतलब हम मानते हैं कि ऐसी चीजें हैं तो दोषों का निवारण करने के लिए ऐसी चीजें करते हैं, तो ये जो जब इसको नचाते हैं तो एकता देखोगे ना आप, मतलब लोग ना उठने को तैयार नहीं होते हैं, जब तक ये खत्म नहीं होता ना तो उठने को तैयार नहीं होते हैं, आपको दिखेगा, मैं बीच बीच में टाइम भी दिखाता जाऊंगा आपको कि क्या टाइम हो रहा है और क्या हो रहा है उसके बीच में, तो देखो आप फिर मुलाकात करते हैं आपको वीडियो के लास्ट में। Thank you.
अरे दानी
अब जो आप देख रहे हैं ना देवता, मतलब वो एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, तो जिस पे जो देवता अवतरित होता है ना तो वो फिर गले मिलते हैं। वैसे तो भगवान को मिलाने वाला तो भगवान तो एक ही है, लेकिन वो गले मिलते हैं, बहुत खुश होते हैं कि हम कैसे मिल गए। जैसे आदमी नया आदमी किसी को आदमी को मिलता है, बहुत टाइम बाद मिलता है तो वो खुश होते हैं, तो वैसे इसी टाइप से वो गले मिलते हैं और फिर खुशी से नाचना स्टार्ट करते हैं। शर्मा तो ऐसे रही है, मैं जैसे नई नई नवेली दुल्हन नहीं होती है, कैमरे से इतना ज्यादा शर्मा रहा है। और क्या कहना चाहते हैं बताइए। अच्छा लगा आपको मिल गया, बहुत डिफरेंट सर। ये होती है झूठी तारीफ। फिलहाल इसको आपने हमारे ब्लॉग में देखा, कौन से ब्लॉग में? एक रुखी वट वाला राइडिंग ब्लॉग हुआ था जिसमें दांत दर्द होते हैं, उसमें देखा होगा। तो अभी मिल गया मेरे को और जबरदस्ती में दांत भी एकदम बिल्कुल सही है। और अभी बहुत बड़ा फैन है मेरा, बहुत
यहाँ पर वीडियो को स्किप रोकना चाहूंगा क्योंकि जो इनके हाथ में ये पकड़ा हुआ ना, जो अपने बदन पे मार रहे हैं, तो वो पूरा लोहे का बना हुआ है। लोग क्या, अभी आप अपने हाथ से ना अपनी छाती पे मार दीजिए, पूरा रेड कलर का छापा ना पड़ जाए तो बता देना। लेकिन वो रात के उस ठंड में और वो लोहे के छड़ उसको जब अपने बॉडी पे मारते हैं ना, बिल्कुल एक लाल कलर का छापा भी नहीं पड़ता, तो इसको क्या कहेंगे? यही है दिव्य शक्ति। इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है तो प्लीज आपको एक टारगेट है, मेरे वीडियोस को लाइक 100 लाइक दे दो, बस मैं नेक्स्ट पार्ट की तैयारी करना स्टार्ट कर दूंगा। क्योंकि थोड़ा टारगेट मिलेंगे तो फिर मतलब सब अंदर से आएगा कि बेटर बन रहा है, अच्छा लग रहा है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं इस चीज को, तो अच्छा लगता है। फिर हम भी बढ़िया से वो करेंगे, वीडियोस को बढ़िया बनाएंगे। तो अगर आपको कुछ भी पूछना हो ना तो वीडियोस के कमेंट में अपना क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, इसके बारे में जो भी आपको पूछना होगा मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चन का ना अच्छे तरीके से जवाब दूंगा। चाहे मैं किसी से पूछना पड़े, चाहे वो कहीं भी जाना पड़े, लेकिन मैं आपका अच्छे से जवाब दे पाऊं। तो इसके लिए आपको थोड़ा अगले पार्ट के लिए आपको थोड़ा वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। आपको जहां तक इसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस, अपने इंस्टा स्टेटस स्टोरी पे लगा दो, अपने दोस्तों को शेयर करो, और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वो बहुत जरूरी है, और बेल आइकन का बटन तो दबा ही देना। और इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए टारगेट है 100 लाइक। तो फिर मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में।